क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज एटम इकोनॉमी विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरोबेंजीन। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है, इसमें ये है क्लोरोबेंजीन और ये प्रोडक्ट्स में ये प्रोडक्ट है और ये वाले रिएक्टेंट्स है। तो ये दो रिएक्टेंट्स का अपने को मॉलिकुलर वेट फाइंड करना है और एक ये सिंगल प्रोडक्ट का मॉलिकुलर वेट फाइंड करना है। यहाँ पे एटॉमिक वेट गिवन है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। तो सबसे फर्स्ट इस प्रोडक्ट का मॉलिकुलर वेट निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ C6H5Cl यानी क्लोरीन यानी क्लोरोबेंजीन। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ C6H5 और ये Cl तो इसका आएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, C मतलब कार्बन जो होता है 12, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 12 और कितने कार्बन है 6 कार्बन है, मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस H5, H होता है 1 और कितने H है 5H है, इसीलिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस Cl, Cl यहाँ पे गिवन है 35.5। तो इसको कैल्शियम में पुट करेंगे, इसको कैल्शियम में पुट करेंगे, कैल्शियम में पुट करेंगे हम लोग। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे 12 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस 5 आएगा ये वाला प्लस 35.5। तो इसका आंसर HD करेंगे 112.5 इसका आंसर आता है। इस आंसर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी 112.5 इसका आंसर है, मॉलिकुलर वेट है, ये प्रोडक्ट का मॉलिकुलर वेट है C6H5 और ये Cl। उसके बाद अपने को ये रिएक्टेंट्स का मॉलिकुलर वेट निकालना है। तो फर्स्ट निकालेंगे C6H6 का मॉलिकुलर वेट, इसका मॉलिकुलर वेट निकालेंगे। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, C होता है 12 और कितने C है 6 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस H6, H होता है 1 इंटू 6 और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इसका आंसर कितना आता है 12 × 6 = 72 प्लस 6, तो इसका आंसर आता है 78 इसका आंसर आता है। उसके बाद ये है मॉलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट का C6H6 का ये मॉलिकुलर वेट है। उसके बाद अभी अपने को सेकेंड रिएक्टेंट यानी Cl2 का निकालना है, Cl2 का मॉलिकुलर वेट अपने को निकालना है। तो उसके लिए लिखेंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ Cl2 इक्वल टू Cl इंटू 2, Cl का होता है 35.5 तो 35.5 लिखेंगे और कितने Cl है 2 तो मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका आंसर मॉलिकुलर वेट ऑफ Cl2 ये कितना आएगा 35.5 इंटू 2, 35 2 जो होता है 70 और ये प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 71, इसका आंसर आएगा 71 ये मॉलिकुलर वेट। अभी अपने को परसेंटेज इकोनॉमी निकालनी है, परसेंटेज इकोनॉमी निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी, इसका फॉर्मूला लिखेंगे एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मॉलिकुलर वेट लिखेंगे ऊपर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट्स 2 है तो 2 का मॉलिकुलर वेट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मॉलिकुलर वेट अपने को कितना आया, प्रोडक्ट का मॉलिकुलर वेट जो अपने को आया वो है 112.5, तो इसको लिखेंगे 112.5 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स है 78 आया एक का और दूसरे का आया 71, तो उसको लिखेंगे 78 प्लस 71 मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे लिखेंगे कैल्सी से इसका फाइनल आंसर। तो कैल्सी लेंगे, कैल्सी में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यूज़ है अपने अपॉन वाला फंक्शन चूज़ करेंगे। सबसे फर्स्ट 112.5 नीचे आएंगे 78 प्लस 71, कर्सर को राइट साइड शिफ्ट करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, फिर फाइनल आंसर को HD करेंगे। तो ये है अपना फाइनल आंसर 75.50%। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 75.50%। तो ये है अपनी परसेंटेज एटम इकोनॉमी, ये था अपना फाइनल आंसर।